हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन। आज मैं मेवे का पाव बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी घिसा हुआ गोला लिया है, एक कटोरी मखाने लिए हैं, आधी कटोरी खसखस ली है यानी कि पोस्ता दाना, एक कटोरी खरबूजी की मिंगी ली है, 8 से 10 अखरोट की गिरी ली है, थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं, एक कटोरी बादाम लिया है और आधी कटोरी के करीब मैंने गोंद लिया है और आधी टीस्पून पिसी हुई सौंठ ली है और थोड़ी सी इलायची पिसी हुई ली है। एक मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। अब हम इसमें सबसे पहले अपने गोंद को फ्राई करेंगे। ये गोंद फूल गया है, ये फूल जाएगा तो हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। गोंद फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें बादाम को हम फ्राई करेंगे। इसी प्रकार हम अपनी सारी मेवा फ्राई कर लेंगे। बादाम भी फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेते हैं, फ्राई कर लेंगे। अखरोट भी निकाल लेते हैं। अब पिस्ता फ्राई करेंगे। पिस्ता भी फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब मखाने फ्राई कर लेंगे। मखाने भी फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इनको ठंडा होने पर हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे, सिर्फ ऑन ऑफ करके 3 से 4 बार हल्का सा क्रश कर रहे हैं। गोले को भी हम हल्का सा लेते हैं, बहुत हल्का सा बुनना है, इसका कलर चेंज नहीं हो। इसी में हम अपने खरबूजे के बीज डाल देंगे, ये भी इसी के साथ क्रश हो जाएंगे, भुन जाएंगे। मिंगी और गोला भी भुन गया है, बीज की चटकने की आवाज आ रही है। अब इसी में हम अपने खसखस के दाने, ये भी इसी में डाल के हल्का सा इनको भी भून लेंगे। कढ़ाई को इसमें से निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी पानी लिया है। हमको इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक चाशनी बन रही है, हम अपने मेवे को मिक्सी के जार में हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में सबसे पहले हम अपने गोंद को हल्का सा दरदरा पीसेंगे। इसी प्रकार हम अपने सारी मेवा को पीस लेंगे। पीसने से मतलब हल्का दरदरा कर लेंगे, सिर्फ ऑन ऑफ करनी है हमको मिक्सी। ये हमारा गोला, इसी में हम ये सारी मेवा पीस कर क्रश करके इसमें निकालते जाएंगे। अब ये बादाम, अखरोट और ये पिस्ता, ये तीनों को एक साथ क्रश कर लेते हैं। बादाम अखरोट भी क्रश कर लिए, इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मखाने क्रश कर लेंगे। मखाने भी क्रश कर लिए, निकाल लेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जिससे गोले में और हमारे खसखस में और खरबूजे बीज, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। मेवा पाक जमाने के लिए मैंने एक थाली में घी लगा लिया है और इसे चिकना कर लिया, जिससे हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। ये हमारी चाशनी बन रही है। अब हमें इसमें देखना है कि एक तार की चाशनी हमें इसे बनाना है। अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा,
हमें एक उंगली पर थोड़ी चाशनी लेनी है और इस प्रकार देखना है। अभी ये हमारा एक तार नहीं बना है तो हमारी चाशनी अभी नहीं बनी है। अब मेरी एक तार की चाशनी बन गई है, इस प्रकार से ये तार आ रहा है। अब ये हम गोला मेवा सब इसमें चाशनी में डाल देंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा अपना सौंठ पाउडर और पिसी हुई इलायची डाल देंगे। सौंठ पाउडर से इसका मीठेपन में थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आएगा तो ये बहुत खाने में अच्छी लगती है। अब इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। और हमारी घी लगी हुई प्लेट में इसको ट्रांसफर करेंगे जमाने के लिए। इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इसको पूरी प्लेट में चम्मच की सहायता से फैला देंगे। इसे घुमाकर इस प्रकार से जमाते जाएंगे जिससे एक साथ जमे और 5 से 10 मिनट बाद इसे ठंडा होने छोड़ेंगे, फिर इसमें कट लगाएंगे। ये प्लेट में मैंने अच्छे से फैला दिए और दबा दबा के जमा दिए। हमारा पाक हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें इसी टाइम कट लगा देंगे, यदि ये जम जाएगी तो काटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने आकार के हिसाब से आप इसमें कट लगा लीजिए। अभी इस टाइम इसमें आसानी से कट लग रहा है। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने देते हैं। मेरा पाक ठंडा हो गया है, ये आसानी से प्लेट से निकल रहा है। ये देखिए प्लेट बिल्कुल साफ है और एकदम परफेक्ट बर्फी बनी है। ये देखिए, आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखना और बताना मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और शेयर करना। जय जिनेंद्र।